वीडियो में हम सीखेंगे कैसे गूगल मैप एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करके कैसे किसी लोकेशन तक पहुंचा जा सकता है इजीली सैटेलाइट को ऑन करके और उसका रोड मैप फाइंड आउट करके। तो सारे चीज़ें आज के वीडियो में सीखेंगे। तो उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा गूगल मैप। तो मैक्सिमम सारे लोगों को मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, किसी किसी के मोबाइल में अगर नहीं होगा तो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, नहीं तो मैं इसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चाहे तो डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए इसको ओपन करके सीख लेते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में छोटा सा आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ सैटेलाइट पर क्लिक कर लेंगे। तो मैं ऑलरेडी सेलेक्ट रखा है सैटेलाइट, और अगर आपके मोबाइल में सैटेलाइट सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और करने के बाद यहाँ सर्च बार में जहाँ पे आपको जाना है उस लोकेशन का नाम इसमें टाइप करेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं पटना टाइप कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर पटना आ चुका है, रेड कलर का अंडरलाइन दिख रहा है, ये पटना है, पटना की एरिया है। और अब पता करना है कैसे यहाँ तक पहुँचा जा सकता है और कितना किलोमीटर है और कितना टाइम लग सकता है। तो सारे चीज़ें जानने के लिए यहाँ पर डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुका है, चार ऑप्शन है जो कि गाड़ी से आप जा सकते हैं, फोर व्हीलर से जो कि 3 घंटा समय लगेगा 24 मिनट, बाइक से जाएंगे तो यहाँ पर 3 घंटा 8 मिनट, और बस का अवेलेबल नहीं है सर्विस, और पैदल जाएंगे तो 1 डे लगेगा। तो सारे चीज़ें आ चुका है। तो मान के चलिए हमें बाइक से जाना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे बाइक पर क्लिक करेंगे तो नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है 3 घंटा 8 मिनट लगेगा और 137 किलोमीटर है। तो हमें इसे यहाँ पे जाना है तो स्टार्ट पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सैटेलाइट द्वारा सारे यहाँ पे रूट वगैरह वगैरह जितना भी सारे रास्ते में पड़ेंगे सारे यहाँ पे चीज़ें दिखाई देगा, और जितने भी रास्ते में जितने भी गांव पड़ेगा और जो भी बाजार मार्केट जो भी पड़ेगा सारे दिखाएगा और आपको लेके जाएगा वहाँ तक। तो बहुत ही आसान है, जितने भी देख सकते हैं ब्लू कलर का दिख रहा है ये सारे रूट हैं, इस रूट से जा सकते हैं। तो ऐसे करके जा सकते हैं, अगर बीच में कभी कंफ्यूजन लगे तो यहाँ पर रिसेंट पर क्लिक करेंगे तो फिर से रिफ्रेश करके आपको लेके जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो कि एक एरो का ऑप्शन आइकन दिख रहा है, ये आपको लेके जाएगा, आपको इसी के हिसाब से चलना है तो ईजिली जा सकते हैं। तो चलिए बैक चलते हैं। बैक आने के बाद अब हमको पता करना है कि हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ आसपास में एटीएम है कि नहीं है, एटीएम है तो कहाँ है। तो यहाँ पर टाइप करेंगे नियर मी एटीएम, टाइप करके यहाँ पर सर्च करेंगे तो देख सकते हैं जो कि यहाँ बता रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और नीचे में भी बता रहे हैं तो आप रीड कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इसका आ चुका है, कहाँ कहाँ है कितना है, तो नीचे तक आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके शो मैप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं तो आप उस जगह पर आपको लेके जाएगा। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करके इसका नेविगेशन स्टार्ट कर लेंगे, वहाँ तक जा सकते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान है इसको इस्तेमाल करना, और कुछ लोग को पता है कुछ लोगों को नहीं पता है। तो आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं इस्तेमाल करना, तो बहुत ही आसान है, कहीं का भी लोकेशन आप पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।